बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव विपक्षी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई से भड़के हुए हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नित केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों को गुलाम बनाने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोधियों को डराने धमकाने का काम सौंपा गया है। इस मार्च में हिस्सा लेंगे और प्रतिरोध मार्च इसलिए हम लोग कर रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, सुखाड़ को लेकर के, बाढ़ को लेकर के, जितने भी जन सरोकार के मुद्दे हैं और जितने भी असल मुद्दे हैं, इन मुद्दों के साथ हम लोग सभी लोग जो आपकी आवाज है, जो जनता की आवाज है, उसको उठाने का काम कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और केंद्र में एनडीए की सरकार है। अब तक किए गए वादे इन लोगों ने पूरा नहीं किया, ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया, ना ही इन लोगों ने बिहार को स्पेशल पैकेज दिया, नौकरी का जुमला, महंगाई की मार, किसानों पर अत्याचार, यानी कोई भी ऐसा वर्ग जो है वो खुश नहीं है इस मौजूदा सरकार से। देश और खास तौर पे नौजवान प्रपोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।